मागेटा को भी क्या हो गया यार, पूरा सुनसान हो गया। आइला डेड बॉडी। साला बेवड़ा पी के सो गया क्या? आइला ये तो जिंदा है। पीके कोई सोता है क्या ऐसे? देख भगवान, इसमें अपुन का गलती नहीं है। अपुन तो पॉकेट मार है, अपुन तो मरेगा। ऐसे पीके सोए रहेगा तो अपुन तो मरेगा, इसमें मेरा क्या गलती है? मारना है। ये तो सारा भिखारी है, एक रुपया पैसा नहीं रखा पैकेट में। ये किसका फोटो है? देखने में तो लगता नहीं है, तो बचपन का फोटो है। छे बेकार से फोटो रहे ऐसे। साला पैकेट में पैसा तो नहीं है, लेकिन ये छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा यार। बच्ची का भी फोटो है, उठाता हूँ एक कम। बहुत पाप कर लिया इस पर, पुण्य कमाता हूँ। अरे अरे बेवड़ा, कैसे कोई पिता है क्या? उठ जा बे बेवड़े। अरे उठ जा, कर क्या रहा मियां तुम? कब से सोया यहाँ में? उठ जा आजा आजा, उठ जा। मेरा बैग। बैग? मेरा बैग। क्या बैग? एक रुपया पैसा नहीं है तुम्हारे पैकेट में, कहाँ से बैग आएगा? हुआ क्या है? कौन है तुम? आप बोले टोनी भाई। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, थम जा थम जा थम जा। हुआ क्या है ये तो बता दे। मेरा बैग। क्या हुआ क्या है? मुझे मेरा बैग किसी भी हाल में चाहिए। देख भाई, इतना तो आसान नहीं है बैग को ढूंढना। ये मार्केटा है भाई, यहाँ बहुत झंझट होता है। सुन भाई, तू अभी पड़ा रहता, लेकिन मैं तुमको देख के ना कुछ दिल में लगा, समझा? इसलिए आके तुमको उठा दिया। फटाफट उठ जा और चलो। मुझे मेरा बैग चाहिए, मुझे जाना पड़ेगा। अरे कहाँ जाएगा भाई इस हालत में? ये कौन सा जगह? ये मागड़ा का ढींग है। रुक रुक रुक, उठ जा। देख भाई, तुम्हारा स्टोरी हमको छू गया। हाँ हम ऐसे तो किसी को भी बिना खर्चा में मदद नहीं करता है, लेकिन तुमको करेगा, समझा? अब उनको अच्छा लगा, स्टोरी में ट्विस्ट था। अरे भाई उठ जा, एक काम कर, चल मेरा घर लेके चलता हूँ, तेरा मदद मैं करूँगा। मैं टोनी भाई तेरा मदद करेगा। तुझे मैं किससे भरोसा कर लूँ? आप उन सबका मदद नहीं करता है, लेकिन जिसका करता है दिल से करता है, समझ में आ गया? मुझे मेरा बैग चाहिए किसी भी हाल में भी। देख भाई, इस एरिया में तो सिर्फ एक ही आदमी ऐसा कर सकता है। वो एक आदमी नहीं, वो पूरा गैंग है, वो फतिया गैंग है। और फतिया गैंग के साथ पंगा लेना मतलब मल्लिक भाई के साथ पंगा लेना। और मल्लिक भाई वो आदमी नहीं, वो जल्लाद है, जल्लाद। और तुम्हारा तो हालात ऐसे बिगड़ा हुआ है। मुझे किसी भी हाल में जाना है, मुझे लेके चलो फतिया गैंग के पास। अरे बेवड़ा है क्या? इतना तुम हालत क्या है तुम्हारा, देख रहा है? छोड़ देगा तो अभी गिर जाएगा तुम।
रुको, इस हालत में तुम लड़ेगा फतेहगंज के साथ? फतेहगंज पता है कौन है तुम? फतेहगंज क्या है तुमको पता भी है? फतेहगंज, अरे पहले फिट हो लो, पहले फिट हो। मुझे मेरा बैग चाहिए। तुम्हारा बैग मिल जाएगा, अपुन है, टोनी भाई तेरा साथ है। तुम्हारा बैग मैं ला के देगा, मैं टोनी भाई ला के देगा अभी। लेकिन इस हालत में तुम नहीं जा सकता, पहले चल मेरा घर, थोड़ा मरम पट्टी कर ले, आराम कर ले, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। चल छोड़, मैं तुझे कैसे भरोसा कर लूं? आप उनका दिल बोला इसलिए आप उन मदद कर रहा है। मर तू साला ये। अपन तेरे को भरोसा करते हैं, लेकिन मुझे किसी भी हालत में मेरा बैग चाहिए। तुम्हारा बैग मैं दिलाएगा, मैं टोनी भाई दिलाएगा, मुझ पर विश्वास रख और अभी चल। अरे उठ गया तू? तुम्हारे लिए रोज पानी लाता हूँ, रोज फेंक देता हूँ, आज उठाया, तीन दिन बाद उठाया तुम, पता है? चलो पानी पी ले। कैसा है तबीयत? ठीक है। तीन दिन बाद? हाँ, 27 दिसंबर से तुम मेरा घर में है, कब से तुमको उठाने की कोशिश कर रहा है। उस दिन सिर्फ दवाई खाया था, खाना खाया था, आज तक कुछ नहीं खाया है। फिर मेरा बैग? क्या बैग में लगा रखा है? क्या उस बैग में? उस बैग में मेरा जिंदगी है। मैंने तो सुना था तेरी जिंदगी उसका शरीर में होता है। पांक बैग में पांक। अच्छा सब छोड़, तू ऊपर आ, फ्रेश होके ऊपर में चाय पी पी के बात करते हैं, चल ठीक है ना? अच्छा पानी पी ले पहले, जल्दी निकलना है। ठीक है ठीक है, तुम आ जाना। भाई चा पी ले। अरे भाई चा पी ले। थैंक यू। और नाम मेरा अंशु है। अंशु टोनी भाई। एक मिनट, तुम्हें कैसे मालूम चला कि मेरा मनी बैग में पैसा नहीं था? अरे भाई कैसे बताएगा, हम ऐसे दरअसल छोटा मोटा पॉकेट मार करके ही अपना गुजारा चलाता है। अच्छा तुम खराब मत पाना, तुमको हम बचाया ना वहाँ से, तुमको हम लेके तो आया ना वहाँ से, हैं लेके आया ना। एक बात है लेकिन, पॉकेट मार मार के तुम घर अच्छा बनाओ, चल रहा है गुजारा। और साथ में चाय भी। थैंक यू। और तुम ये बैग बैग जो लगा रखा है, उस बैग में था क्या? उस बैग में मेरा जिंदगी है। बैग में जिंदगी कैसे होता है यार तुम? उस बैग में मेरा डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स के लिए तुम इतना मार रहा है? इस डॉक्यूमेंट्स के पीछे जाने से तुम्हारा मौत भी हो सकता है, तुमको पता है? डॉक्यूमेंट्स, तुम्हें पता है उस डॉक्यूमेंट्स का कीमत? मेरी माँ ने दूसरों के घर में काम करके मुझे पढ़ाया है, दूसरों के घर में बर्तन मांजा, फिर मेहनत करके मुझे पढ़ाया, और माँ ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक छोटा सा चीज़ मांगा, उसका बेटा कुछ जॉब करे। और उस डॉक्यूमेंट का मेरा लिए जितना कीमत है ना, इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं। वो मुझे नौकरी करता हुआ देखना चाहता है। लेकिन ज़िंदगी तो कोई और काम करके भी तो गुजारा जा सकता है ना? गुजारा जा सकता है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट का जो कीमत है ना, उसका कीमत और कोई भी चीज़ अदा नहीं कर सकता। ठीक है भाई, इसके लिए अपन तेरे को मदद करेगा।
लेकिन अपुन सिर्फ दूर से मदद करेगा, अपुन पास नहीं जाएगा उसमें। अपुन को उससे लफड़ा लेना नहीं है, अपुन सिर्फ दूर में रहेगा। चल ठीक है, मैंने तुझे भरोसा किया ठीक है, और अपुन तेरा भरोसा जीत के दिखाएगा। चल।